इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अपनी उल्लेखनीय मिट्टी की वास्तुकला, शिल्प परंपराओं, रंगीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भूमि के साथ कच्छ एक पूर्ववर्ती रियासत है जिसका इतिहास वैभवशाली रहा है। ये भारत की उन चुनिंदा जगहों में से है जिसकी सुंदरता अनूठी है। कच्छ के रण का रेगिस्तान तो बस देखते ही बनता है। 4000 साल से भी पुराना कच्छ का इतिहास विविध, समृद्ध और रचनात्मक संस्कृति से भरा पड़ा है। ये एक समय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। सन 1540 और 1948 के बीच कच्छ पर जडेजा राजवंश का शासन हुआ करता था, जो खुद को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं। इस रियासत की स्थापना राजा खेंगरजी प्रथम ने की थी, जो सन 1549 में कच्छ के पहले राव बने। उन्होंने सामरिक महत्व के कारण भुज को अपनी राजधानी बनाई। भुज का नाम भुजियो डंगर पर्वत के नाम पर पड़ा था। 19वीं शताब्दी में प्रागमलजी द्वितीय के शासनकाल में भवनों का खूब निर्माण हुआ था। प्राग महल और मांडवी का मशहूर विजय विलास महल उन्हीं के शासनकाल में बने। मांडवी से 8 किलोमीटर दूर स्थित विजय विलास महल सैलानियों की पसंदीदा जगह है और इसका रखरखाव भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। महल का निर्माण कच्छ के महाराज श्री खेंगरजी तृतीय के शासनकाल में हुआ था। ये महल उनके पुत्र और साम्राज्य के वारिस युवराज श्री विजयराज जी के लिए बनवाया गया था, जो गर्मियों में यहाँ समय बिताते थे। इसीलिए इसका नाम भी विजयराज के नाम पर विजय विलास महल रखा गया था। ये महल 700 एकड़ में फैला हुआ है और इसके छतरीनुमा गुंबद बंगाली और राजस्थानी वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं। महल का निर्माण कार्य सन 1920 में शुरू हुआ था और सन 1929 में पूरा हो गया। महल बनाने में लाल बालू पत्थर का इस्तेमाल किया गया। महल का निर्माण राजपूत वास्तुकला के अनुसार किया गया है। पत्थर की जालियों, झरोखों, छतरियों, खिड़कियों पर कांच तथा दरवाजों पर काम और अन्य कारीगरी के लिए राजस्थान, बंगाल और सौराष्ट्र से वास्तुकारों को बुलवाया गया था। इनके अलावा स्थानीय कच्ची कारीगरों की भी मदद ली गई थी। इसी वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों की मिश्रित कला की झलक यहाँ साफ देखी जा सकती है। महल के ऊपर की बालकनी से आसपास का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। महल के मीनारों पर ऊंचे गुंबद, खिड़कियों पर पत्थर की नकाशीदार और कांच की जालियां और फैला हुआ अहाता देखते ही बनता है। ये महल बागीचों के बीचों बीच है, जहां पानी के नहरें और संगमरमर के फव्वारे बने हुए हैं। उस समय प्रत्येक शासक का अंतिम संस्कार उसके सबसे करीबी रिश्तेदार की छतरी के पास किया जाता था। हालांकि अगर शासक ने अपनी कुछ और ही इच्छा बताई हो तो वो उनकी इच्छा अनुसार किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कच्छ के दूसरे अंतिम शासक विजयराज जी का अंतिम संस्कार इसी महल में किया गया था, क्योंकि ये उनकी पसंदीदा जगह थी। उनका निधन सन 1948 में हुआ था और उनकी याद में यहाँ छतरी बनाई गई। महल का रखरखाव बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, इसलिए बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। महल के एक हिस्से को रिजॉर्ट में बदल दिया गया, जहाँ सैलानी आकर रुक सकते हैं। महल में आज तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद इसे बनाने वाले कारीगरों की बेहतरीन कला ही इसे उत्कृष्ट स्मारक बनाती है।